दो दिन पहले मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक प्रतिनिधि द्वारा आदिवासी युवक पर पेशाब करने की घटना का झारखंड में लगातार विरोध हो रहा है। अब वहीं आज रांची में खराब मौसम के बावजूद केंद्रीय सरना संघर्ष समिति से जुड़े लोगों ने आक्रोश मार्च निकाला, तो झारखंड कांग्रेस के आदिवासी विभाग के कार्यकर्ताओं ने शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की के नेतृत्व में झंडा बैनर लेकर निकले, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश की घटना की तीव्र निंदा करते हुए भारतीय जनता पार्टी की आदिवासी पिछड़े और दलित लोगों के प्रति सोच को दर्शाता है। बंधु तिर्की ने कहा कि भाजपा नेता के द्वारा जिस तरह से एक आदिवासी के सिर पर पेशाब किया गया है वह बेहद घृणित कार्य है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को लेकर भाजपा की जो मानसिकता है वह खत्म होने वाला नहीं है। नारा लगाइए जी, नारा लगाइए। और ये कभी क्षमणीय हो सकता है? मैंने आपका मानसिकता क्या है? मैंने आप 2 मिनट तक आप पेशाब करा, वीडियो का जो आप क्लिप देखते होंगे लगता है, बताइए इनकी मानसिकता, भारतीय जनता पार्टी और उनका मानसिकता जिस तरह से आदिवासी, दलित, पिछड़ों पर इनका जो मानसिकता है, ये मानसिकता कभी खत्म होने वाला नहीं है। जहाँ तक आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज चौहान जी, उसका पद ये ड्रामा है, नाटक है, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है तो शिवराज चौहान जी आ जाए झारखंड में, उसको माथा में पेशाब कर देते हैं उसको, ऐसा होता है? ये मजाक बना कर रखा हुआ, ऐसा होता है? बताइए ना, कितना घृणित काम। और जिस लड़के ने किया उसको गिरफ्तार किया, उसका आकरण देखिए। इनकी मानसिकता को कुचलने की जरूरत है। आदिवासी, दलित, पिछड़े को एकजुट होकर के इन भारतीय जनता पार्टी का ये जो मानसिकता है, ऐसे नेताओं का मानसिकता, ऐसे लोगों को कुचलने की आवश्यकता है। शिवराज सिंह ने तो आप